हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सारी जो एक्सरसाइज 3.3 है ये किसके ऊपर बेस है? हमारी पैलोग्राम के ऊपर। पैलोग्राम की अगर हमको सारी प्रॉपर्टीज़ याद होगी तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम आर इन द रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैलोग्राम। ठीक है, यानी कि हमको क्या कर रखा है, एडजेसेंट एंगलों का रेशियो दे रखा है और हमको बताना है कि हर एक एंगल पैलोग्राम का कितनी डिग्री का होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने पेज पर। देखो यहाँ मान लो मेरे को एक पैलोग्राम बनाना है भाई, मैंने ये पैलोग्राम बना दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे डी। एडजेसेंट एंगल ये और ये, या ये भी हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, आपस में हो सकते हैं। ठीक है, इन एडजेसेंट एंगलों का जो सम रेशियो कितना दे रखा है, 3:3 कितना दे रखा है, 3:2। ठीक है, 3:2। तो हमको पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, एक जो एक एंगल है वो 3x है और दूसरा एंगल कितना है, 2 है। यानी कुल मिला के हमको इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट वन एंगल बी 3x एंड अदर एंगल बी 2x। ठीक है, इसको 2x कर दो, 2x। अब देखो हमको पता है कि पैलोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, है ना, तो इनको सम कर दो। ठीक है, वी नो दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम इज कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180, है ना। तो एक एंगल कितना दे रखा है, पहला एंगल दे रखा है 3x, उसके बाद 2x इक्वल टू 180। ठीक है, तो 3 × 2 = 5x इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 3 = 15, 16 × 17 = 18, 3 × 5 = 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वन एंगल बी, पहला एंगल कितना हो गया 3x था, 3 × 36। सेकेंड एंगल बी, सेकेंड एंगल कितना, 2 × 36, तो उसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 = 18 का 8, 8 × 1 = 1, 3 × 3 = 9 = 10, और ये हो 36 × 2 = 72। एक आ गया 108, एक आ गया कितना 108, और एक आ गया कितना 72 डिग्री। ठीक है, और देखो इन्होंने क्या बोला है कि भाई हर एक एंगल का सम, हर एक एंगल बता दो कि कितने डिग्री का है। तो हमारा एंगल मान लो यहाँ पे एंगल डी हमारा कितना है, एंगल डी हमारा 108 का है। ठीक है, ये मान लो हमारा 108 का है। एंगल सी कितना है हमारा, एंगल सी हमारा 72 का है भाई। ठीक है, 72 का है। अब देखो हमने क्या, हमको क्या पता है कि पैलोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो गया, एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए कितना हो जाएगा, ये 72 है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 72, और एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी इसका इक्वल है ना, तो 108 डिग्री। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।